न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। इन दिनों स्कूल में पढ़ने लिखने वाले छात्र मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो देखते हैं जो कि उनके जहन में बैठ जाती हैं और वह अपराध का रूप ले लेती हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के शाजापुर से सामने आया है, जहां 11वीं क्लास की नाबालिग छात्रा से उसी के क्लासमेट छात्रों ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी कहती है कि 11वीं क्लास की छात्रा को उसी के क्लासमेट नोट्स देने के बहाने अपने दोस्त के रूम पर ले गए, जहां दो तीन अन्य दोस्त पहले से ही मौजूद थे। छात्रों ने नाबालिका के साथ चाकू अड़ाकर पहले बारी बारी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद छात्रों ने नाबालिका का वीडियो भी बना लिया और नाबालिका को धमकाया कि वह अगर यह बात किसी को बताती है तो वह वीडियो वायरल कर देंगे, जिसके बाद नाबालिका डर गई। इतना ही नहीं, यह आरोपी छात्र अभी भी नहीं रुके, यह नाबालिका को दोबारा मिलने के लिए धमकी देने लगे। यह सभी छात्र नाबालिका को वीडियो के बहाने ब्लैकमेल करने लगे। जब नाबालिका ने मना किया तो इन आरोपियों ने नाबालिका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब वीडियो परिजनों ने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने कोतवाली थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। नाबालिग बालिका के द्वारा एक तीन लोगों के खिलाफ जिनके क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उसके द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा उसका गुणस्काम किया है, अपनी के द्वारा सहयोग किया गया है। घटना अब से करीबन 15 दिन पहले की है, क्योंकि लेकिन इतना जरूर है कि आजकल कम उम्र के बच्चे मोबाइल के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने कुछ ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें देखते हैं जो उनके जहन में बैठ जाती हैं और वह एक अपराध का रूप ले लेती हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।